बजकर 41 मिनट और मैं ब्रसलाव में इस वक्त साइकिल चला रहा हूँ। ये साइकिल ट्रैक्स यहाँ पर ऐसे मार्क की हुई हैं लाल रंग की। मौसम काफ़ी ठंडा है, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, बूंदाबांदी है। चुके हैं और आज शायद थर्सडे है और मैं आज उनकी साइकिल लेके जा रहा हूँ लजनीक सर, वॉल्टी सर और वापस। साइकिल पे घूमने का पहला अनुभव होगा मेरा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। ठंड के मारे नाक बह रही है, पसीने आ रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बाल भीग चुके हैं और साइकिल चलाने की वजह से शरीर में बहुत गर्मी है। जैकेट उतारूंगा तो ठंड लगेगी, जैकेट पहन के रख रहा हूँ तो पसीने आ रहे हैं। ये जो सड़कें हैं दरअसल साइकिल ट्रैक्स हैं। ये सामने साइकिल वाला निशान लगा हुआ है जिसका मतलब ये है कि ये साइकिल ट्रैक है और mappy.cz में इस तरह के साइकिल ट्रैक्स को पर्पल कलर में मार्क किया हुआ है। और ये कैसी वेबसाइट है, इसकी एक एप्लीकेशन भी है एंड्रॉयड पर जिसमें मेरे ख्याल से सभी यूरोपियन देशों के मैप्स बहुत डिटेल्ड मैप्स हैं। तो यूरोप में घूमने के लिए जब आएँ और कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहें या कुछ हटकर तो गूगल मैप्स को ऑफलाइन डाउनलोड करने के अलावा mappy.cz एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये जो सीधे हाथ की तरफ ये पेंजियों लिखा हुआ है, पेंजियों मतलब होता है हॉस्टल या होटल, सस्ता वाला। लजनीक सर पहुंच चुका हूं और ये है टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। साइकिल यहां पार्क करने के बाद
जो हरे रंग का निशान है इन्फॉर्मेशन का है। इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। Zamek, Glasshaus? Ano, je tam. A parking? Sú tam stojany. Tady za, doleva. Left. Thank you. Thank you. Děkuji. mappy.cz की एक और ख़ास बात अभी अभी पता चली है। इस तरह के जो शेल्टर्स हैं इनको यहाँ लोकल लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, तो मैंने इस जगह को, इस जो लिखा हुआ था लोकल लैंग्वेज में नाम, उसको ऑफलाइन गूगल ट्रांसलेट किया तो पता चला इसका नाम, इसका मतलब होता है शेल्टर। ऐसी छोटी छोटी जगहों की डिटेल्स भी mappy.cz पर हैं, तो एक अच्छी ऑफलाइन एप्लीकेशन है ये mappy.cz। और इसमें लिखा है प्रिस्ट्रेसिक लेतनी समय, तो ये वो शेल्टर है। तो अभी मैं इस दिशा में जा रहा हूँ नीचे की तरफ, और जहाँ तक मेरा ख्याल है आगे एक रेलवे लाइन है, वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी है, मगर शायद शेल्टर नहीं है। तो मुझे लंच करना था, मुझे लगता है यही जगह ठीक रहेगी लंच के लिए, क्योंकि आगे कोई शेल्टर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरा लंच टाइम शुरू होता है अब 3:00 PM। माता श्री आप परेशान मत हो ना, 3:00 ज़रूर बज रहे हैं, मगर मैंने अब से करीब 3 घंटे पहले कुछ खा लिया था, इसलिए भूख नहीं लग रही थी। लॉक जी गिर गए हैं।
अजीब बात है, देखना इतना वीरान से इलाके में भी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है वहाँ हरे रंग का, उस तरफ मैं इस तरफ कहीं से आया हूँ और अभी वहाँ से यहाँ साइकिल खड़ी कर दी है। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है, एक तो इस तरफ है 4 किलोमीटर, एक यहाँ पर 4 किलोमीटर है, इस तरफ कुछ है 2 किलोमीटर दूर, ये 4 किलोमीटर लिखा ही था, और एक इस तरफ लगा हुआ है। मतलब साइकिल ट्रैक्स बाइक ट्रेल्स के लिए भी इतने अच्छे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं यहाँ। इस घने जंगल में आ गया हूँ अब। यहाँ पर पक्की सड़क नहीं है, इस वजह से साइकिल चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए अब ऐसे ही जा रहा हूँ। बाकी जंगल थोड़ा सा घना है क्योंकि अंधेरा हो गया है यहाँ पहुँच के, और बादल भी हैं ऊपर, रोशनी कम है। उम्मीद है कोई ख़तरा नहीं होगा। चार पाँच छः, छः रास्ते हैं। अब कहाँ जाऊँ ये बताएगा। साढ़े 5 किलोमीटर दूर आ गया हूँ मैं, मुझे जाना है इस तरफ। लास्ट में क्या ज़बरदस्त ढलान थी, जर्र करके जंगल में से गुजरती हुई ढलान से साइकिल। अब मैं लगभग मेन रोड पर आ चुका हूँ, ये मेकुलोव और ब्रेटस्लाव वाली सड़क है सामने, ये जो टी पॉइंट है होना तो यही चाहिए, लेफ्ट जाऊँगा तो ब्रेटस्लाव, राइट जाऊँगा तो मेकुलोव। साइकिल का सबसे बड़ा फायदा शहरों में ट्रैफिक जाम से छुटकारा।